मीडिया हाउसों पर छापेमारी को शर्मनाक बताते हुए मुरादाबाद के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मंडल आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। भारत समाचार के चीफ ब्रजेश मिश्रा, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घरों पर एवं दैनिक भास्कर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। मंगलवार की दोपहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचे। पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर व महिला कांग्रेस नेता भारती त्यागी की पहल पर कांग्रेसी नेता जैन मंदिर पर एकत्रित हुए। यहां से मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने इन छापों को राजनीति से प्रेरित बतलाया। कांग्रेसियों ने इन्हें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया। कांग्रेसियों का आरोप था कि केंद्र सरकार इस तरह की कार्यवाही कर अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। बाद में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। इसमें इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर दोषियों को दंडित करने व पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कांग्रेस ने उठाई। इस दौरान महिला कांग्रेस महासचिव भारती त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर, प्रवक्ता सुधीर पाठक, अनिल शर्मा काले, राजेश पाल, मोहम्मद शारिक, तबस्सुम वसीम अहमद, फुरकान लंबरदार एवं संदीप बजाज आदि उपस्थित रहे। ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना की घटी है। हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ पत्रकार, मीडिया, भाई बंधु, जो देश को, देश के अंदर जो भी अच्छाई बुराई जो चल रही हैं वो डंके की चोट पर दिखाता है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बहुत सारे दैनिक पेपर पर आईटी की जो रेट पड़ी है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और मांग करती है राष्ट्रपति जी से कि ये फिरौनी हरकत हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के अंदर हमारे चौथे स्तंभ, जिनको पूर्णतः आज़ादी है सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना और उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक इसका प्रदर्शन करेगी। ये मांग हमारी है कि जो भी चाहे भास्कर समूह हो, चाहे भारत समाचार हो या और भी जितने मीडिया के साथ जो आपका दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बदले की भावना से जो कार्रवाई की जा रही है, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।